हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक एक्सरसाइज इंद्रधनुष, जो कि दो देशों की एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट की जा रही है। भारत और इंग्लैंड, दो देशों की जो एयरफोर्स है उसके बीच में ये एक्सरसाइज की जा रही है। ठीक है, तो ये कई बार क्या है जो गवर्नमेंट एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज एक्सरसाइज इंद्रधनुष, क्या है ये, या किन दो देशों के बीच में है और किसकी एक्सरसाइज है। जनरली जो हमारी जो डिफेंस एक्सरसाइज है वो तीन प्रकार की होती है, एक तो आर्मी टू आर्मी, एक नेवी और एयरफोर्स। आज हम जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं वो एयरफोर्स वाली एक्सरसाइज है। अब मैं बता दूं आपको, इंडिया और यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम इंग्लैंड ही बोलते हैं, तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, नेवी के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसको हम बोलते हैं कोंकण, मिलिट्री के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसको हम बोलते हैं अजय वॉरियर, और एयरफोर्स के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसको बोलते हैं इंद्रधनुष। तो कई बार इनमें से पूछ लिया जाता है। ठीक है, और अजय वॉरियर तो मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही कवर की थी, तो ध्यान रखना नेवी टू नेवी जो एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूके के बीच में कोंकण, मिलिट्री टू मिलिट्री जो होती है उसको हम बोलते हैं अजय वॉरियर, और एयरफोर्स के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसको बोलते हैं एक्सरसाइज इंद्रधनुष। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दोनों देशों की क्या है एयरफोर्स इकट्ठी हुई हैं और आपस में क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल एयरफोर्स, ध्यान रखना यूनाइटेड किंगडम की जो मतलब एयरफोर्स है उसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स। इन दोनों के बीच में फिफ्थ एडिशन मतलब पांचवी एक्सरसाइज है, इससे पहले ऑलरेडी चार एक्सरसाइज हो चुकी हैं, तो पांचवी जो एक्सरसाइज इंद्रधनुष है वो कंडक्ट की जा रही है। और इस बार की जो एक्सरसाइज है उसका थीम है बेस डिफेंस फोर्स प्रोडक्शन, बेस डिफेंस फोर्स प्रोडक्शन। ठीक है, तो एक्सरसाइज इंद्रधनुष कंडक्ट की जा रही है, स्टार्ट भी हो चुकी है दो देशों की एयरफोर्स के बीच में। बस ध्यान रखना देश कौन कौन से हैं आपको, एक तो ध्यान रखना यूनाइटेड किंगडम और दूसरा है अपना इंडिया। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स एंड ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स, इन दोनों के बीच में हो रही है। देखो इनका फ़ायदा क्या होता है, इनका फ़ायदा ये होता है कि आपस में एक दूसरे के साथ मतलब अपनी नॉलेज शेयर कर सकें, अपनी टैक्टिक्स को शेयर कर सकें। ठीक है, कि इमरजेंसी कंडीशंस में कैसे डील करना है सिचुएशंस को, तो एक दूसरे के साथ ये क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और मतलब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज इंद्रधनुष है इसकी शुरुआत मतलब 2006 में हुई थी और तब से मतलब कंडक्ट की जा रही है। और इंद्रधनुष एक जॉइंट एयर टू एयर एक्सरसाइज है। कैसी एक्सरसाइज है, एयर टू एयर एक्सरसाइज है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।